35 लाख से जायद स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चे क्यों तालीम हासिल करने के बजाय मेहनत मजदूरी पर मजबूर? क्या हमारे बच्चों की तालीम का मसला काबिले तवज्जो नहीं है? इतने हसास मसले पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आमिर हबीब। नाज़रीन, तालीम की अहमियत से कौन है जो वाकफ ना हो। जिस मुल्क के 33 लाख से ज़ायद स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चे स्कूल जाने के बजाय मेहनत मजदूरी कर रहे हों, वो मुल्क भला कैसे तरक्की कर पाएगा? उस मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी? आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये बच्चे स्कूल जाने के बजाय किस कदर मुश्किल और खतरनाक काम कर रहे हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि बच्चों की इतनी बड़ी तादाद तालीम हासिल करने से महरूम है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये तमाम बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने वाली है, ये कांचों यानी टूटे हुए गिलासों के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। अगर ये कांच इनके नाजुक बदन में पेवस्त हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब तक हमारे मुल्क में तालीम आम नहीं होगी, ना ही खुशहाली आएगी और ना ही हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा और ना ही जुर्म रुक पाएंगे। नाज़रीन, अब आप इस बच्चे को देखें, इस उम्र में भी ये वेल्डिंग जैसा खतरनाक काम कर रहा है। ये बच्चे कब से और क्यों ये काम कर रहे हैं और इनको इस काम के कितने पैसे मिलते हैं, जरा इन्हीं की जबानी सुनिए। मैं 3 साल से मजदूरी कर रहा हूँ और 10 बहन भाई हैं, किराए का घर है और मजदूरी करता हूँ और 500 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो बस छः साल हो गए मजबूरी है, वाली साहब ने अनुवाद लिया हुआ है 6 साल और नशा करते हैं हर चीज़ का। जी नाज़रीन, आपने इन बच्चों की बातें सुनी। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसको तालीम हासिल करने का बहुत शौक था और वो काम करके मेहनत मजदूरी करके तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन फिर दरमियान में मजबूरी के बायस उसको तालीम छोड़ना पड़ी और आज फिर वो तालीम हासिल कर रहा है। ये 14 साल अमार, इसके नाजुक कंधों पर घर के खर्च की जिम्मेदारी भी थी और तालीम हासिल करने का शौक भी। सुबह सुबह 7 बजे उठता हूँ तो अखबारें वगैरह वगैरह घर में देता हूँ, अलग अलग घर में तकरीबन 50 घर हैं जिनमें अखबारें देता हूँ। थोड़ी सी सैलरी मिलती है तो वो फिर मैं घर जाकर दे देता हूँ, तो वो फिर कहते इससे घर का निज़ाम चल जाता है। फिर थोड़ा बहुत एक अंदाजे के मुताबिक 3.3 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है वो फुल टाइम मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। अमार ने कब ये काम शुरू किया और स्कूल क्यों छोड़ा, जरा सुनिए। मैंने तकरीबन 11 साल की उम्र से ये काम शुरू किया कि मैं जाता था मैं स्कूल, तो फिर पापा पैसे नहीं थे फोर्स कर सकते, इस वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक इतनी महंगाई के बावजूद 58,70,000 लोग दिन में 200 से भी कम रुपए कमाते हैं। नाज़रीन, आज के दौर में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तालीम को बहुत ज़्यादा आम समझते हैं और इसके लिए वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। ये है अयूब मोहम्मद। क्यों बहुत से गरीब बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, इस मुतलिक इनकी क्या राय है, जरा सुनिए। एक आदमी जो है अमीर वो तो तालीम हासिल कर रहा है और उसके बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए उतने पैसे नहीं है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर तालीम की कमी। मैंने घूम फिर के देखा कि इस्लामाबाद VIP शहर जहाँ पर बच्चे हैं गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, कोई पानी बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, तो मैंने देखा कि क्यों ना इनसे मिलूं और तालीम पर कुछ काम किया। ये बहुत से बच्चों को बिल्कुल फ्री तालीम दे रहे हैं और अमार भी इन्हीं के पास फ्री तालीम हासिल कर रहा है। आज भी कोई फीस नहीं मेरी, मैं फ्री बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का। नाज़रीन, क्या वजह है कि चाइल्ड लेबर और तालीम की कमी जैसे हसास मसले को अभी तक हल नहीं किया जा सका, जरा सुनिए। दिस प्रॉब्लम इज सो बिग एंड द पैथेटिक कंडीशन व्हिच आई फील इन आवर कंट्री कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज,
that here there is no political will at all to deal with this child labor issue. The government institutions are not very sensitive towards that. There are no firm policies on that. The legislature are not interested to, you see, work on that because they are busy in other works. And child labor still has not been addressed at the national level. جی ناظرین آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ تعلیم جیسے حساس مسئلے کو حکومت سیریسلی نہیں لے رہی حکومت دوسرے کاموں میں مصروف ہے اور تعلیم جیسے سیریس مسئلے کو ایمانداری سے حل کرنے کا سوچ ہی نہیں رہی اور نہ اس حساس مسئلے کو قومی سطح پر ڈسکس کیا جا رہا ہے لیکن میرے مطابق ناظرین یہ مسئلہ صرف حکومت ختم نہیں کر سکتی بلکہ ہم ایسے اگر ہر ایک اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے اور صرف ایک ایک بچے کی تعلیم کا ذمہ بھی اپنے سر لے لے تو بہت جلد ہمارے ملک سے جہالت ختم ہو کر تعلیم عام ہو جائے گی مزید پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور وزٹ کیجیے پبلک ٹی وی میڈیا .com